अभी हम हमारे अनुभवी वक्ता आदरणीय मोहन सिंघल भाई साहब को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और हमारे आदरणीय गोदावरी दीदी जी को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वो आप आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जैसे कि आज का जो टॉपिक है, ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व पूरी दुनिया में नज़र दौड़ाएं, मुझे तो यही लगता है कि ब्रह्मा बाबा से ब्रह्मा बाबा जैसे कोई भी किसी की भी व्यक्तित्व नहीं है। तो आज हम सवेरे से या दो दिन से बहुत सारी बातें सुन रहे थे, लेकिन अब हम ऐसी बातें सुनेंगे जो प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा थे। ऐसे ब्रह्मा बाबा थे जिनकी कथनी और करनी समान थे। आप सोचिए, जैसे मैंने सवेरे भी कहा था, कितने ज़बरदस्त अच्छे लीडर थे, इतना बड़ा कारोबार ब्रह्मा बाबा के द्वारा हुआ। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने ऐसे दो महान विभूति हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के द्वारा डायरेक्ट पालना ली है। एक होता है कि हम किसी के बारे में सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन एक होता है कि उन्होंने अपना जीवन प्रैक्टिकल में देखा है। तो उनके मुखारविंद से हम अभी सुनेंगे। अभी मैं आदरणीय भाई साहब से, मोहन सिंघल भाई से, भाई साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाबा के साथ का जो अनुभव कैसे रहा, और बाबा की जो व्यक्तित्व है, प्रभावशाली व्यक्तित्व, इफेक्टिवनेस, वो कैसे रहा, उसके बारे में हम लोग अभी सुनेंगे। तो भाई साहब के बारे में मैं समझती हूँ कि सब जानते ही हैं कि भाई साहब इस विंग के चेयरपर्सन हैं, और आपने 1967 में इस ज्ञान को लिया, और आपने ONGC जो बहुत महारत्न कंपनी है, तो वहाँ आप अपना जॉब कर रहे थे। तो 1968 में भाई साहब का वहाँ ट्रांसफ़र हुआ नॉर्थ ईस्ट में। तो वहाँ उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि वहाँ कोई सेवाएं नहीं थी, हमारे कोई भी सेंटर नहीं खुले थे, लेकिन भाई साहब के द्वारा सबसे पहला सेंटर शिव सागर में खुला, और आप उसके निमित्त बने। और अभी आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहला जो रिट्रीट सेंटर है वो शिव सागर में ही बना, जिसका उद्घाटन अभी लेटेस्ट दादी जी गए थे, और उसका गोल्डन जुबली भी हुआ। तो मैं समझती हूँ कि वहाँ इतनी भावनाएं हैं, मैं भी वहाँ गई हूँ, इतनी लोगों की भावनाएं, इतनी अच्छी वहाँ सेवाएं चल रही हैं, तो काफ़ी हद तक क्रेडिट भाई साहब को जाता है। और भाई साहब की विशेषता, बहुत सारी विशेषता हैं, आप बहुत मेहनती हैं, बहुत क्रिएटिव है, और आपने देखा होगा जो इस विंग का जो कॉन्फ्रेंस है, इतना बढ़िया, इतना अच्छा चल रहा है, और आपका जो रात दिन का जो योगदान है, आज हम देख रहे हैं सफलता की ओर कॉन्फ्रेंस जा रहा है। और आपने बहुत सारे किताबें भी लिखी हैं, मैं समझती हूँ कि आपने 4-5 किताबें भी लिखी हैं, और आपकी जो जिम्मेवारी है, आप राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं, हमारी संस्था के मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य भी हैं, ज्ञान सरोवर के एकेडमी कोऑर्डिनेटर पद पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कि आपके लिए मैं इतना कहना चाहूँगी, क्योंकि आपको सेवा का शौक़ है, सेवाएं आपने नॉर्थ ईस्ट में बहुत की हैं, तो आपके लिए मैं इतना कहना चाहूँगी, जादू है आपकी हर एक बात में, जादू है आपकी हर एक बात में, बाबा का, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का, दोनों का हाथ रहता है हर पल आपके हाथ में, सेवा का भाव रहता है आपके हर स्वभाव में, हर संकल्प में, हर खून में। तो ऐसे महान विभूति का मैं
रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई ब्रह्मा बाबा के बारे में अपना अनुभव युक्त बातें सुनाएंगे आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। आप सब जिस संस्था के प्रांगण में आए हैं आप जानते ही हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और कोई भी संस्था जब शुरू होती है उसका स्वरूप कैसे छोटा होता है और फिर धीरे धीरे वो विकास को प्राप्त करती है। तो आज हम एक ऐसी दिव्य कहानी के बारे में जानने जा रहे हैं जो एक बहुत छोटे रूप से शुरू हुई लेकिन आज इतने बड़े विशाल वटवृक्ष के रूप में सारे संसार में फैली हुई है। यह कहानी है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, एक दिव्य कहानी है जिसके साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और उनकी जीवन कहानी भी इससे संलग्न है। और जो संस्था आज विश्व के पांचों महाद्वीप में 140 देशों में लगभग वो फैली हुई है, ये दादा लेखराज का अद्भुत इतिहास है। ब्रह्मा बाबा जिन्हें आज हम कहते हैं, आपका नाम लेखराज था और सब उन्हें दादा लेखराज लखीराज बाबू के नाम से जानते थे, पहचानते थे। बहुत उनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायी था। ये उनके लौकिक परिवार के चित्र है, उनके वो उनकी पत्नी, तीन पुत्रियां और दो पुत्र, इस तरह यह लौकिक परिवार बाबा का था। इस परिवार के साथ बाबा का जीवन बहुत ही सुखमय रीति से गुजर रहा था। हीरे जवाहरात के वो बहुत बड़े व्यापारी थे और उस समय तो अखंड भारत था, तो मुख्य व्यवसाय कलकत्ता, कराची और बम्बई आदि अनेक स्थानों पर वो फैला हुआ था। लेकिन इतने धनी होते हुए भी बाबा बहुत दानी व्यक्ति थे, दान पुण्य सदा ही वो नित्य प्रति किया करते थे। केवल इस रूप में ही नहीं बल्कि जो गरीब होते थे, जो सामर्थ्य नहीं होती थी अपनी कन्याओं की शादी आदि कराने की या और बड़े कार्य करने की, बाबा बहुत खुले दिल से दान किया करते थे। लेकिन साथ ही साथ बाबा को सदा सत्य की खोज रहती थी परमात्मा की, कि कैसे परमात्मा को प्राप्त करें। और उसके लिए बाबा ने काफ़ी लगभग 12 गुरु किए। एक गुरु किया, पूरी संतुष्टि नहीं हुई, दूसरा किया, तीसरा किया, इस तरह गुरु करते हुए भी बाबा सबसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, जीवन गुजरता जा रहा था। जब उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी तब उन्हें सबसे पहले विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। यहाँ यह बताना अतिशोक्ति नहीं होगी कि बाबा पहले से भले सभी देवी देवताओं का आदर उनके मन में था लेकिन विष्णु के वो परम भक्त थे, और विष्णु चतुर्भुज का एक के बाद एक, एक के बाद एक उन्हें साक्षात्कार हुआ अनेकों स्वरूपों से। और फिर ये साक्षात्कार देख करके उन्हें बहुत अंदर में एकदम खुशी हुई और वो अपने गुरु के पास गए। गुरु से पूछा, क्या आपने वो साक्षात्कार मुझे कराया? आपको मैं धन्यवाद देने आया हूँ। लेकिन गुरु ने तो सच्चे दिल से बता दिया कि भाई नहीं, मुझे खुद ही साक्षात्कार अभी तक नहीं हुआ है, तो मेरे में न कराने की क्षमता है। उस समय भी थोड़ा जैसे सतो गुण जैसे गुरु गोसाई आदि में विशेष रीति से देखने में आता था। गुरु ने निष्कपट भाव से ये स्वीकार किया कि उन्होंने नहीं कराया है। तो बाबा ने उसके बाद एक और साक्षात्कार किया, कलयुग के विनाश का साक्षात्कार। ये दुनिया है, इसका परिवर्तन होने वाला है, और उस साक्षात्कार में बाबा ने देखा कि ये दुनिया का स्वरूप बदल रहा है।
एक तरफ एटॉमिक वार छिड़ी हुई है, चारों तरफ एटम बम, हाइड्रोजन बम्स, मिसाइल्स के द्वारा विनाश हो रहा है, विशेष करके वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज का। और दूसरी तरफ ये परिवर्तन हो रहा है भारत के अंदर, मुख्य रीति से प्राकृतिक आपदाओं का और सिविल वार के द्वारा। तो प्राकृतिक आपदाएं देखी बाबा ने, अर्थक्वेक, फ्लड्स, फेमिन्स, क्लाउड बर्स्ट आदि आदि। और साथ ही साथ बाबा ने ये भी देखा, जब ये सब देख रहे थे तो बाबा के आँखों से जैसे इतनी भयानक विनाश लीला देख के आँखों से जैसे अश्रु धारा बहने लगी। और बस गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति बस उनके मुख से जैसे निकला, बस प्रभु, बस अब मुझे अपना मोहनी रूप दिखाइए प्रभु, बहुत ये भयंकर विनाश देखा। और इस तरह तब से बाबा के मन में एक वैराग्य की वृत्ति और तेज हो गई। साथ ही साथ बाबा ने साक्षात्कार किया परमपिता परमात्मा का और परमात्मा के निवास स्थान परम धाम का। परम धाम यानी जहाँ समस्त आत्माएं रहती हैं, और उसका साक्षात्कार जब बाबा को हुआ और बाबा ने देखा इस परम धाम के साक्षात्कार के साथ साथ कि वहाँ से स्टार जैसे नीचे उतरते आ रहे हैं, और वो स्टार नीचे आते आते एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, कोई राजकुमारी के रूप में। बाबा शुरू में तो नहीं समझ सके, लेकिन बाद में बाबा को पता चला वो स्टार जो ऊपर से आ रहे हैं वो सब आत्माएं हैं, और इस धरती पर आके उनका जन्म राजकुमार और राजकुमारी के रूप में हो रहा है। और बाबा ने ऐसी दुनिया देखी, अति सुखमय दुनिया, स्वर्णिम दुनिया, सब जैसे खेल रास विलास खेल कूद है, और निष्फल कोई भी प्रकार का विकार नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि से रहित दुनिया, ऐसी सतयुगी दुनिया बाबा ने देखी। और ये जिसी को विभिन्न धर्मों में विभिन्न भाषाओं में स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, अल्लाह का बगीचा आदि आदि नामों से जाना जाता है। और ये दृश्य देखते ही देखते बाबा जैसे बस उसमें लीन हो गए, उस सुखमय में। और इस प्रकार से बाबा ने एक तरफ विनाश का दृश्य देखा, दूसरी तरफ नई सृष्टि की स्थापना का दृश्य देखा। और साथ ही साथ बाबा को कानों में एक आवाज़ आई उस समय, बाबा ने सुना कि कहीं दूर से जैसे एक आवाज़ आ रही है और कह रही है, तुम्हें ऐसी दुनिया का निर्माण करना है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। और बाबा बस उसी सोच में पड़ गए, मैं कैसे ये दुनिया बनाऊंगा, ये किसकी आवाज़ थी, कौन मुझे ये प्रेरणा दे रहा था। और इसी ध्यान में ही बाबा बस मनन चिंतन में लीन रहने लगे, मगन हुए, और फिर धीरे 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 उनका ये पार्ट खुलता गया। और तब बाबा को ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव का साक्षात्कार हुआ, एकदम एक ज्योतिर्बिंदु जैसे धरती पर बाबा को देखा बाबा ने। इन चरम चक्षुओं से तो उसे नहीं देखा जा सकता, लेकिन अनुभूति की कि किस प्रकार से परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और ज्योति स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार के साथ साथ बाबा ने देखा, अनुभव किया। कुछ समय बाद जब गुरु उनके यहाँ आए हुए थे, गुरु से वो ज्ञान सुन रहे थे, एकाएक उन्हें जब वैराग्य की वृत्ति हुई, थोड़ा घर के प्रांगण में सत्संग चल रहा था, बाबा अपने कमरे की तरफ गए और कमरे में जा कर के वो विराजित हो गए एक स्थान पर। उनकी पुत्र वधू दादी ब्रिजिंद्रा जी, जो बाद में जिनको ये नाम दिया गया, वो भी उनके पीछे पीछे गई, क्योंकि वो जानती थी बाबा कभी भी गुरु की सभा छोड़ के उठ के नहीं जा सकते, ज़रूर कोई विशेष बात है। और वहाँ पर जाके उन्होंने देखा, अद्भुत चीज वर्णन। बस गए तो बाबा जैसे बैठे हुए हैं, और धीरे धीरे कमरा जैसे उन्होंने एक ज्योति देखी, और ऊपर से जैसे वो ज्योति उतर के बाबा के भ्रकुटी में समा रही है। भ्रकुटी में समाते समाते चारों तरफ जैसे लाल लाल प्रकाश हो गया, और वो लाल लाल प्रकाश को देखते हुए
बस बाबा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और उस ज्योति स्वरूप प्रकाश ने ब्रह्मा बाबा के मुख से सबसे पहले पहले सृष्टि में आकर अपना परम परिचय दिया। शिव बाबा ने क्या परिचय दिया? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अर्थात मैं, मेरा स्वरूप जो है, मेरा नाम शिव है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। शिव परमात्मा ने उस साकार प्रजापिता ब्रह्मा का आधार लेकर यह अपना परिचय अपने मुख से दिया और बस उसके बाद से तो बाबा का जीवन संपूर्ण रीति से एकदम बदल गया। बस बाबा को जैसे हीरे जवाहरात जाते थे अपने बिजनेस में, अगर वो जैसे बस पत्थर से दिखाई देने लगे और उनको लगा कि अब मुझे चैतन्य हीरों का व्यापार करना है, मनुष्य आत्माएं जो हैं उनको बदल कर, परिवर्तन कर, पवित्र बनाकर नई सृष्टि का अधिकारी बनाना है। और बाबा के सम्मुख जो आते थे उनको विचित्र अनुभव होता था। बाबा को देखते थे, देखते देखते ही वो कभी बाबा दिखाई देता था, कभी उन्हें श्री कृष्ण दिखाई देता था, कभी फिर श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है, फिर ब्रह्मा बाबा दिखाई देता था। और इसका राज परमपिता परमात्मा ने खोला कि ये जो दादा लेखराज की और प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा है, ये ही वास्तव में श्री कृष्ण की आत्मा है, जो सतयुग आदि में श्री कृष्ण का स्वरूप धारण करती है और कलयुग अंत तक आते आते वही आत्मा दादा लेखराज बन जाती है और जिसमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करके उनको नाम प्रजापिता ब्रह्मा देते हैं। और इस प्रकार से बाबा का जीवन में एकदम परिवर्तन हुआ और बाबा ने बस एक ऐसा सत्संग, घर में ही सत्संग शुरू कर दिया और बस बाबा गीता का ज्ञान सुनाते थे, गीता खोलते थे और थोड़ा सा गीता पढ़ते 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 फिर जैसे बाबा के शरीर के द्वारा शिव बाबा आके सच्ची गीता का परिचय देते थे, ज्ञान सुनाते थे। हर एक को ये अनुभव करता था जैसे ये ब्रह्मा बाबा नहीं बोल रहा है बल्कि उनके द्वारा कोई दूसरी आत्मा बोल रही है और वो ही परमपिता परमात्मा शिव का यथार्थ परिचय ब्रह्मा के द्वारा जब ज्ञान चारों तरफ सुनाया जाने लगा। और विशेष बात ये थी कि जो भी उस सत्संग में आता था सबको साक्षात्कार हो जाते थे। बस जो जिसका इष्ट देव होता था अपने इष्ट देव का साक्षात्कार करके वो आत्मा तो जैसे संपूर्ण रीति से तृप्त हो जाती थी। और इस प्रकार से बाबा का सत्संग धीरे धीरे बढ़ने लगा और उस सत्संग का नाम जो हुआ वहाँ पर, और इस कारण से जो सत्संग में आते थे उसका नाम पड़ा ओम मंडली। और क्योंकि बाबा शुरू में ओम की ध्वनि से शुरू करते थे तो इसलिए ओम मंडली नाम पड़ा। और उस सत्संग में जो आते थे उनमें एक बहुत कुशाग्र बुद्धि की कन्या भी थी जिसका नाम राधे था। और बस वहाँ पर जो भी आते थे उनका नाम ओम से शुरू होता था, ओम राधे, ओम ब्रजेंद्रा, ओम अलग अलग। और उन सबको जैसे नया दिव्य और अलौकिक नाम परमपिता परमात्मा ने दिया। और जैसे अपने देह का भान भूलते जाने का बाबा ने ज्ञान दिया और सब उस सत्संग में आने लगे तो ममक इनका नाम भी ओम राधे दिया, लेकिन यज्ञ में उन्हें सब प्यार से ममा कहते थे और बाबा को, ब्रह्मा बाबा को बाबा। और ममा के साथ ही साथ एक और कन्या, कुशाग्र बुद्धि कन्या आई, उनका नाम बाबा ने प्रकाशमणि दिया। यहाँ बाबा रिफर कर रहे हैं शिव बाबा को भी और ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा जो निराकार है, परमपिता परमात्मा है, लेकिन वो जिस तन का आधार लेता है, ये दादा लेखराज जिनको की नाम बाबा ने, शिव बाबा ने दिया प्रजापिता ब्रह्मा। और इस प्रकार से बाबा और मामा के द्वारा इस ओम मंडली की स्थापना हुई। शुरू में बाबा ने जब बहुत कन्याएं माताएं ज़्यादा, अधिकतर भाई भी आते थे लेकिन कम,
लेकिन कन्याएं माताएं ज़्यादा, तो बाबा ने एक बोर्डिंग स्कूल खोला और बोर्डिंग स्कूल में छोटे छोटे बच्चों से लेकर वो यज्ञ जैसे आगे बढ़ता गया। और ये बोर्डिंग स्कूल में ये देखिए, और ये बाबा का लौकिक परिवार नहीं बल्कि अलौकिक परिवार, इनमें सब आयु वर्ग की बहनें थीं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर 15 साल 20 साल 25 कुछ माताएं आईं छोटे छोटे बच्चों को भी गोद में लेकर के, और इस प्रकार से ये बाबा का अलौकिक परिवार बढ़ता गया। और इसके साथ ही साथ ये जो लगभग कुछ महीनों में कुछ वर्षों में ही ये परिवार बढ़ के काफ़ी लगभग 300 के करीब ये परिवार हो गया। ये परिवार एक तरफ बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ ये जो कन्याएं थी बाबा उनको आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ बाबा उनको फिजिकल एनर्जी वो भी देते थे, एक्सरसाइज वगैरह, क्योंकि कहा जाता है पहला सुख वो निरोगी काया। और इस रीति से ये आप देख रहे हैं ये कन्याएं वगैरह जो आज हमारी वरिष्ठ दादियों के रूप में इस यज्ञ की पालना कर रही हैं, ये सब भी कितनी छोटी आयु में आई, कोई 10, 12, 15 साल आदि, और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय यज्ञ में निछावर कर दिया। बाबा उन लोगों को बच्चों को सुबह क्लिफ्टन है, ये कराची की बात है, तो बाबा वहाँ रहते थे, तब तो अनडिवाइडेड इंडिया था, अखंड भारत, तो उस समय क्लिफ्टन समुद्र के किनारे ये एक स्थल है, वहाँ घुमाने ले जाते थे, फिजिकल एक्सरसाइज कर तो कराते थे, लेकिन हर फिजिकल एस्पेक्ट के पीछे बाबा का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आध्यात्मिक ज्ञान होता था। हर एक की वो जो व्याख्या किया करते थे आध्यात्मिक रीति से, बहुत सुंदर व्याख्या। और इस प्रकार से बाबा और ममा, यहाँ मैं फिर रिपीट करता हूँ, ममा जो हैं बाबा के लौकिक परिवार से संबंधित कोई नहीं थे, बल्कि जो यज्ञ शुरू किया उसमें आने वाली जो सबसे कुशाग्र बुद्धि कन्या थी, जैसे मॉनिटर क्लास का होता है ऐसे बाबा ने उन्हें निर्धारित किया। और ये जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूशन की फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, ये जो ममा जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें बाबा ने टाइटल दिया। और इस प्रकार से ये यज्ञ आता आगे बढ़ता रहा। कराची में लगभग 14 साल तक इन सब ने बहुत तपस्या की, रात भर भी जागकर, और अपने को इस स्वरूप में स्थित करने की कि मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। हर एक को, किसी को देह भान में जब हम देखते हैं देह रूप से कि मैं स्त्री हूँ ये पुरुष है, या मैं पुरुष हूँ ये स्त्री है, तो विकार की भावना पैदा होती है, काम की भावना, क्रोध आदि। लेकिन बाबा ने उसी बेसिक चीज पर ही अटैक किया और बताया कि आप आत्मा हो न कि शरीर, आप आत्माओं ने ये शरीर धारण किया है इस सृष्टि रूपी नाटकशाला में खेल खेलने के लिए। और इस प्रकार से 14 साल तक अखंड तपस्या वहाँ पर जब करते करते 1947 में ये जो हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का विभाजन हुआ, एक खंड पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान या भारत। और जब फिर भी ये वहीं कराची में रहते रहे, लेकिन इनके काफ़ी संबंधी जो लगभग 300 बहनें थीं विशेष करके और भाई, वो लोग तो अधिकतर भारत में आ गए थे, उन लोगों को चिंता होती थी कि वहाँ दूसरे कम्युनिटी के बीच में हमारे बच्चे बच्चियाँ कैसे रहते होंगे, क्या कितने सेफ हैं। तो वो लोग बाबा को निमंत्रण देते थे बार बार कि बाबा आप सबको लेकर के भारत में आ जाओ। तो 47 के बाद फिर भी बाबा 48, 49 और 50 तक वहाँ पर रहे। और वहाँ पर वो लोग भी जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की, वो भी उनका बहुत बहुत आदर, जरा भी बाल बांका इनका ना हो, चाहे कुछ भी कम्युनल राइट हो कुछ हो, इनको सब प्रकार की सुविधाएं कि आप तो अल्लाह के बंदे हो और आपकी वजह से ही हमारा देश भी सुरक्षित है, बहुत करते थे। इस प्रकार से 1950 तक लगभग वहाँ रहे। और 1950 में फिर उसके बाद लगभग मई जून में ये स्थानांतरित हुआ यहाँ पर भारत के अंदर। भारत आने की तैयारी सबने की,
क्योंकि परमपिता परमात्मा ने भी निर्देश दिया कि आप भारत में आप सबको शिफ्ट होना है, जाना है। तो देखिए सबने अब 300 लोगों का लगभग सामान बांधना, सबके साथ आना, आप समझते हैं कितना बड़ा हरकुलिन टास्क है। लेकिन सब आए और वहाँ से ये शिप के अंदर पूरा शिप किया, उस शिप के अंदर अपना जो भी सामान ला सकते थे कम से कम वो ले करके आए और यहाँ पर आबू रोड पर आए। और देखिए जहाज में बैठे हुए बाबा, मामा और बाबा के साथ, ये बीच में जो दिख रही हैं ये हैं दादी प्रकाशमणि, जो बाद में चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बनी। और जहाज में बैठे हुए वहाँ से कराची से ये ओखा बंदरगाह तक आए, और ओखा से जो जामनगर के पास है वहाँ से फिर ये आबू रोड ट्रेन तक आए। ये आप देख रहे हैं ट्रेन में किस तरह पूरी की पूरी ट्रेन इन सब बच्चों से जैसे कैसे भरी हुई है। और ये वहाँ आके आबू रोड स्टेशन पर उतरे। तब तो कुछ इतना विकसित नहीं था, बहुत ही साधारण छोटा सा स्थान था। तो कई पूछा करते हैं कि इतने बड़ी बड़ी जगह से आपको निमंत्रण था, आप यहीं क्यों आए? तो बाबा बताया करते थे, देखो गायन है तपस्या का कि पहाड़ों के ऊपर और एकांत में गुफाओं में योगियों ने तपस्या की, और आबू जो है ये एक तपस्या स्थल है, यहाँ पर आप सबको तपस्या करके पहले अपनी आत्मा में शक्ति भरनी है और फिर विश्व कल्याण के लिए जगह जगह पर निकलना है, इसलिए एकांत में। तब आबू भी, माउंट आबू भी बहुत बहुत कम विकसित था। और इस प्रकार से ये आबू रोड स्टेशन पर आए और बस बाबा भी एकांत में काफ़ी समय बैठा करते थे, तपस्या किया करते थे। इसी प्रकार मम्मा भी, और मम्मा और बाबा ने किस यज्ञ की पालना की, आप समझो दो चार बच्चों की पालना में ही पति पत्नी कितने थक जाते हैं माता पिता, लेकिन ये तो बाबा और मम्मा विश्व के पालनहार जैसे यज्ञ के, इनके द्वारा सबकी पालना होती गई और ये यज्ञ आता आगे बढ़ता गया। और ये ज़्यादा डेवलप नहीं था, ये उस समय के कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह हैं। ये इन्हीं में एक और बहन थी कन्या जिनका नाम मनोहर इंद्रा दादी था, तो वो जैसे इस चित्र में दिखाए गए हैं। और इस प्रकार से जब ये बढ़ता गया तो अनेक जगह से निमंत्रण मिलते गए, और ये निमंत्रण लेते हुए धीरे धीरे सबसे पहले दिल्ली में एक केंद्र खुला कमला नगर में, और उसके बाद अनेक स्थानों पर लखनऊ, कानपुर, बम्बई, पुणे आदि स्थानों पर ये विकास होता रहा। ये लखनऊ में मामा जो बीच में है, मामा के स्वागत वहाँ किया गया। इसी प्रकार से कानपुर, ये शुरू शुरू के स्थल हैं, जब 1950s में ही लखनऊ, कानपुर आदि में ये हुआ। और ज़्यादातर सेंटर हमारे ये निमंत्रण पर ही खुले हुए हैं, वहाँ पर इनके लौकिक परिवार वालों ने भी निमंत्रण दिया, जाते थे और वो उसका वहाँ पर सेवा केंद्र की स्थापना हो जाती थी। तो अनेक स्थानों पर ये देखिए मम्मा के पास सामने बैठी हुई है प्रकाशमणि दादी जी, और उनका ये चित्र बताया गया है। और देखते इसी प्रकार से मम्मा को भी, जैसे बाबा को देखते देखते कृष्ण का अनुभव होता था, मम्मा को देखते भी विदेही अवस्था का, कि ये देह नहीं है, देह जैसे गुम हो जाती थी और सूक्ष्म में जैसे मम्मा एक सूक्ष्म फरिश्ते की तरह, देवता की तरह अनुभव होती थी, इस प्रकार से अपनी आंतरिक स्थिति का जो चित्रण, आजकल तो कह देते हैं कि बाहरी जो प्रकृति है आंतरिक हमारी प्रकृति का दर्पण है, तो वही बात है कि जितनी जितनी इन बच्चों की, इन सब की स्थिति बहुत शुद्ध पवित्र होती जा रही थी स्थिति, वैसे उनका बाहरी स्वरूप के द्वारा लोग साक्षात्कार किया करते थे। और इस प्रकार से बाबा ने इनको नाम दिया मम्मा को जगदम्बा सरस्वती, मातेश्वरी जगदम्बा सब सरस्वती, लेकिन सब उन्हें स्नेह से मातेश्वरी कहा करते थे। इन्हीं में ही एक और थे दीदी मनमोहनी जी,
बस बहुत बहुत बड़े रिच परिवार की थी और ये भी ज्ञान में जब आई और साक्षात्कार किया तुरंत ही बाबा पर इन्होंने जैसे, क्योंकि उन्हें तो कृष्ण दिखता थे, नारायण दिखते थे, बाबा दिखते दिखते गुम हो जाते थे, तो बाबा को भी पता नहीं चलता था ये क्या हो रहा है, कौन ये साक्षात्कार करा रहा है। लेकिन करण करावन हार तो परमपिता परमात्मा शिव है, तो शिव उनके द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा साक्षात्कार कराते थे। और इस प्रकार से ये दीदी मनमोहनी जी थी जो बाद में एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। इनका भी यहाँ पर भी जो हमारा शांतिवन कॉम्प्लेक्स नीचे है उसके पास ही एक दीदी मनमोहनी कॉम्प्लेक्स वो वहाँ पर बनाया गया है, बहुत बड़ा। ये दीदी मनमोहनी जी ये जैसे इंटरनल मैनेजमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, बहुत अच्छे, जहाँ एक और लव बहुत प्यार की मूरत, वहाँ दूसरी तरफ लव यानी जो अनुशासन प्रिय है उसकी मूरत, तो लव एंड लॉ का बैलेंस रखने वाली दीदी मनमोहनी जी। और ये देख रहे हैं किस प्रकार बाबा का परिवार बढ़ता गया और आगे अलग अलग सेवा केंद्र खुलते गए और वहाँ से ग्रुप्स आते थे, बाबा मामा से मिलते थे और बस अपने जीवन धन्य मानते थे, क्योंकि बाबा के अंदर इतनी अथाह शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति थी कि जो भी बाबा के सम्मुख आता था, बाबा की दृष्टि पड़ती थी, वो भी खुद विदेही हो जाता था। मुझे भी ये सौभाग्य मिला है साकार बाबा के साथ मिलने का। जब बाबा के पास जाती थी पार्टियाँ, बाबा ऐसे हाथ फैला के कहते थे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, बस ऐसे कहा, एकदम एक मैग्नेटिक पुल की तरह हम खींचते हुए चले जाते थे, बाबा की बाह में समा जाते थे। फिर बड़ा आश्चर्य होता था, देह का भान भूल जाते थे, कुछ समय उस स्थिति का अनुभव करते थे, विदेही स्थिति का, फिर बाबा जैसे यहाँ थपथपा के कहते, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे। कोई आत्मा निकलती नहीं है, लेकिन जैसे कॉन्शियसनेस विड्रॉ हो जाती थी थोड़े समय के लिए, फिर कॉन्शियसनेस में आते थे और आके फिर बाबा प्रसाद मुंह में खिलाते थे और हालचाल पूछते थे, एक जाता था दूसरा आता था। तो इस रीति से ऐसा अनुभव हरेक करता था कि ये बाबा का परिवार बढ़ता गया। ऐसे ये अनेक जगह के कई सारे चित्र आप देखेंगे। और अभी सिंधी भाषा में प्रसाद को जैसे मिठाई को टोली कहते हैं, तो क्लास के बाद नियम था बाबा अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे, टोली दिया करते थे, और इस प्रकार से आत्मा भी मीठी होती जाती थी और उसका स्वरूप थोड़ा मिठाई बाबा खिलाया करते थे। जब पार्टी जाती थी बस एक हफ्ता जैसे लगभग रहते थे और जब विदा होते थे बाबा दरवाजे तक विदा करने आते थे और बस विदा होने को दिल तो किसी का नहीं करता था, जो जाने वाले होते थे उनकी आंखों में आंसू वो देखने लायक होते थे, लेकिन बाबा इतना प्यार से विदा, रहे बच्चे जा तो थोड़ी रहे हो, थोड़े समय के लिए जैसे सेवा के लिए जा रहे हो, फिर बाप के घर आ जाओ जब जरूरत हो, ये तो तुम्हारा पिता का घर है, बाप का घर है। और इस प्रकार से बाबा भेजते थे और ये बाबा का ज्ञान फैलता गया। और एक ज्ञान की एक मुख्य पॉइंट थी कि सबका मालिक एक, यानी परमात्मा सबका पिता एक है, चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो, वर्ग हो, संप्रदाय हो, देश हो, लेकिन पिता परमात्मा सबका एक है। और भारत इतना बड़ा देश और विश्व तो कितना बड़ा, तो जो नहीं आ पाते थे, बाबा रेगुलर रीति से पत्र लिखा करते थे। बाबा का पत्र भी बड़ा आश्चर्यजनक होता था, देखिए ये पत्र जैसा लगता है, ये जो लाल लाल अक्षर हैं, बाबा सिंधी भाषा में पत्र लिखा करते थे। और ये सिंधी भाषा में, अब सब तो सिंधी जानते नहीं हैं, तो उसके दो सिंधी लाइनों के बीच में ब्लू पेन से उसका हिंदी में ट्रांसलेशन, या जो जिस भाषा को जानता था उसमें ट्रांसलेशन करके यहाँ से भेजा जाता था।
और बस जब बाबा का पत्र आता था एकदम सब इतने भाव भी हो जाते थे और पत्र के अंदर जैसे इतनी मिठास टोली की भरी हुई होती थी। और इस प्रकार से बाबा प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पत्र लिखा करते थे जो देश विदेश से बच्चों के आते थे और बाबा को ये इस प्रकार से संदेश बाबा का जाता था। ये आप मधुबन जाएंगे शायद होके भी आए हों, कल का दिन आपका घूमने का दिन है, सुबह वैलिडिक्ट्री वगैरह है, शाम को आफ्टरनून में कईयों ने तो देखा होगा पांडव भवन जो हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है तो वहाँ पर हमारे ये बाबा की झोपड़ी भी है, तो उसे हम चार धाम कहते हैं। वो चार धाम का चित्रण यहाँ पर बताया गया है। उस समय तो झोपड़ी ऐसी नहीं थी, बहुत सिंपल घास फूस की बनी हुई, बाबा त्याग और तपस्या की तो जैसे मूर्त थे। और ये बाबा की झोपड़ी है जिसमें बाबा पत्र बैठ के बच्चों को पत्र लिखा करते थे या एकांत में तपस्या किया करते थे। ये झोपड़ी बगीचा आप जाएंगे पांडव भवन कल तो देखेंगे या कईयों ने देख भी लिया होगा। ये हिस्ट्री हॉल जो बाबा के सामने ही ये बना हुआ था और वहाँ पर हिस्ट्री हॉल में हमारे ज्ञान के सारा हिस्ट्री इतिहास जो चित्र यहाँ दिखाए जा रहे हैं कुछ चित्र के रूप में वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा है दूसरा धाम एक हिस्ट्री हॉल। ये हिस्ट्री हॉल का जिसे बाबा के सामने हॉल था और यहीं पर ही क्लास हुआ करती थी। तीसरा है बाबा का कमरा जहाँ पर बाबा रहते थे, अभी तो इतना विशाल नहीं है, जहाँ वो लेफ्ट साइड में ये कुर्सी पड़ी हुई है तो वहीं तक ही छोटा सा शायद 8x10 का छोटा सा रूम था। वहाँ पर एक तरफ बाबा का पलंग रहता था, दूसरी तरफ नीचे गद्दा पड़ा हुआ है तो बाबा उस गद्दे पर बैठ के वहाँ बैठते थे और बीच में जो जगह है वहाँ बच्चे आते थे, पार्टियाँ मिलती थी बाबा से। और बस इतना ही कमरा था जो बाद में फिर उसको एक्सटेंशन किया गया जिससे सब तरफ से जो बच्चे आते हैं वो बाबा से मिल सकें और वहाँ पर एकांत में तपस्या कर सकें। ये बाबा का कमरा है और इस प्रकार से ये चलता रहा। और फिर 18 जनवरी 1969 को बाबा ने इस नश्वर देह का त्याग किया और बस वो आत्मा संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करके वो जैसे कि सूक्ष्म वतनवासी हो गई। तो ये 18 जनवरी 1969 का दिन है और इस प्रकार से बाबा जैसे साकार से निकल के अव्यक्त हो गए। नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो उनके संस्थापक होते हैं उनके जाने के बाद वो डिवाइड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, आपसी झगड़े बढ़ते हैं, लेकिन संभवतः यही एक इंस्टीट्यूशन है अव्यक्त ब्रह्मा बाबा। जब बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद से इसका जो ग्रोथ है वो मल्टीफोल्ड हो गई, मैनीफोल्ड। और बहुत ज़्यादा जो बाबा नींव लगा के गए इतनी वो पक्की नींव थी कि उस पर ये विशाल इमारत जैसे खड़ी होती गई और बाबा ने अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। और ये चौथा धाम है शांति स्तंभ जहाँ 18 जनवरी 1969 में बाबा ने देह त्याग किया था और 21 जनवरी 1969 को बाबा का संस्कार किया गया था वहाँ पर। और आज भी वहाँ के वाइब्रेशन इतने पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं कि वहाँ जो भी जाता है वो एक अथाह स्पिरिचुअल शक्ति का अनुभव करता है और जो भी मन के अंदर भावनाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं वो बताते हैं कि बाबा के कमरे में और चारों धाम का चक्कर लगा के वो अपनी मनोकामनाएं जैसे पूर्ण करते हैं। तो ये है शांति स्तंभ जिसमें आप जाएंगे ऊपर तो देखेंगे शांति स्तंभ में किस प्रकार से वहाँ पर हमारी मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस भी कई बार होती हैं जब वेदर थोड़ा सपोर्टिव होता है। और इस प्रकार से ये शांति स्तंभ में हमें महसूस अभी भी जैसे महसूस होता है कि अव्यक्त ब्रह्मा बाबा जैसे वहाँ पर हम सबको शांति का शक्ति का वरदान दे रहे हैं और उस
वातावरण में इतनी अथाह शक्ति है, वाइब्रेशंस हैं, उसको हर एक कोई महसूस करता है। ये देखिए, जब दिन होता है, विशेष करके 18 जनवरी के निमित्त पूरे देश विदेश से भाई बहने आते हैं और वहाँ पर जैसे बाबा का अव्यक्ति दिवस मनाया जाता है, उसके दर्शन करते हैं। तो ये वो चारों धाम हैं, बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी और ऊपर हिस्ट्री हॉल और लेफ्ट साइड में शांति स्तंभ। इन चारों को ही हम चार धाम कहते हैं और वहाँ पर इन चार धाम की यात्रा करके जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी देश विदेश से आते हैं, इनका वहाँ का भ्रमण करके अपना जीवन जैसे धन्य अनुभव करते हैं। फिर उसके बाद बाबा ने जब 18 जनवरी को देह त्याग किया, 21 जनवरी को संस्कार हुआ, तो आगे क्या, तो उसमें हर एक कोई सोच रहा था क्या होगा। तब 21 जनवरी को ही बाबा का ऊपर से शिव बाबा ने एक दूसरी देह का आधार ले करके और कई ज्ञान के गुह्य रहस्य खोले और ये जो दादी प्रकाशमणि हैं, देखिए यही शायद एक संस्था होगी कि बाबा की लौकिक पुत्री पुत्रवधु सब होते हुए भी बाबा ने किसी को हेड नहीं बनाया। जो एक अन्य दादी प्रकाशमणि जो फिजिकली कोई भी रिलेटेड नहीं थी, लेकिन काबिलियत के आधार पर बाबा ने उनको नेक्स्ट ये चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बनाया। तो ये जैसे कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज दादी प्रकाशमणि, जो 1969 से लेकर 2007 तक जैसे इस संस्था का की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही। तो दादी प्रकाशमणि जो सामने हैं लेफ्ट साइड में और दीदी मनमोहनी जी, तो ये दादी और दीदी की जोड़ी, इन दोनों ने जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था का बहुत बहुत एक्सपेंशन इनके द्वारा हुआ। और कहा जाता था जैसे दो तन हैं लेकिन एक आत्मा है, और इतना प्रेम स्नेह जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने शेयर करी कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, तभी ही इस इंस्टीट्यूशन की इतनी ग्रोथ हुई। ये दादी जो ज़्यादा हाइट की हैं और कम हाइट वाली ये दीदी मनमोहनी जी, दादी प्रकाशमणि जी, इन दोनों के द्वारा ये ग्रोथ होती चली गई। और इनकी सहयोगी ये आठ जैसे और वरिष्ठ दादियाँ हैं, तो ये अलग अलग स्थानों पर रहती थीं। लेफ्ट साइड से अगर जस्ट नाम गिना है आपको, तो ये दादी मनोहर इंद्रा जी जो हरियाणा के इंचार्ज थे, दादी गंगे जी जो यूपी के, फिर दीदी रतन मोहनी जी, दादी रतन मोहनी जी जो बम्बई में रहते थे, नेक्स्ट गुलजार दादी जी जो हृदय पुष्पा, जिनके तन का आधार लेके बाबा ने आगे आने वाले कई वर्षों तक ये अव्यक्त मुरलियाँ चलाई और जो दिल्ली जोन के हेड थे, फिर दादी जानकी जी बीच में जो छोटे कद की हैं, तो ये प्रेजेंटली शी इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, जो मोर देन 103 ईयर्स, 103 साल से भी ज़्यादा आयु की है, लेकिन फिर भी पूरे विश्व में वो जाते रहते हैं। और इनको ये क्रेडिट है कि भारत के बाहर जितने भी सेवा केंद्र हमारे लगभग 500 सेंटर्स जो खोलने का श्रेय है वो दादी जानकी जी को है। फिर उसके बाद दादी प्रकाशमणि जी जो 2007 तक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहीं, दीदी निर्मल शांता जी जो हमारे ईस्टर्न रीजन की हेड थी, और दादी चंद्रमणि जी जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया विशेष करके पंजाब की हेड थी। तो इस रीति से ये आठ दादियों का जैसे ये चित्र इसमें देख रहे हैं आप, इनके द्वारा हमारी इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ होती चली गई और उसके बाद हमारा पहला डेलीगेशन 1971 में वहाँ विदेश गया, और वहाँ जाके हमारे फॉरेन ओवरसीज कंट्रीज़ में ब्रांचेस खुलनी शुरू हुई, और वहाँ से जो पहला ग्रुप आया, ये काफ़ी विदेशी भाई बहनों का ग्रुप जो आया हुआ है मधुबन में, माउंट आबू में, पांडव भवन में, ये उस समय का चित्र है। ये माउंट आबू में फिर लगभग 1983 में ये हमारा ओम शांति भवन की स्थापना हुई,
और वहाँ बहुत बड़ा विशाल हॉल बना हुआ है, ओम शांति भवन। ये वहाँ पर बहुत नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और ये साधु संन्यासी जगत गुरु शंकराचार्य आदि की पहली कॉन्फ्रेंस वहाँ पर जो हुई उसका चित्रण किया गया है। इसके बाद ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ पांडव भवन से लगभग 4 किलोमीटर दूर, क्योंकि संस्था तो ग्रो करती जा रही थी लेकिन छोटा हेडक्वार्टर था, तो ज्ञान सरोवर की ज़मीन ली गई और वहाँ ज्ञान सरोवर नाम से और एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड हमारा एकेडमी कॉम्प्लेक्स बना। वो भी आप लोगों ने जो हुआ है देखा होगा या देख लेंगे। साथ ही साथ 1992-93 में ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वो भी वहाँ पर बनाया गया, उसका निर्माण किया गया। और उसके बाद ये शांतिवन आबू रोड में हमारा कॉम्प्लेक्स है, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लेक्स, जहाँ हमारा डायमंड हॉल है जो इतना विशाल हॉल देख रहे हैं, लगभग 25,000 की कैपेसिटी का पिलर लेस हॉल है। ये अपने आप में एक अनोखा ही हॉल है और उसमें यही डायमंड हॉल के अंदर जब आते हैं बैठते हैं इसका भव्य रूप देख करके सब बहुत अचंभित रह जाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा आश्चर्य की बात ये है कि यहाँ के वाइब्रेशन इतने पावरफुल हैं, शक्तिशाली है कि जो भी वहाँ जाता है उसका योग सहज ही लग जाता है। तो ये दादी प्रकाशमणि जी जिन्होंने 2007 तक 25 अगस्त 2007 को देह त्याग किया, उनकी स्मृति में एक प्रकाश स्तंभ शांतिवन में नीचे बनाया गया है, वो है। उसके बाद दादी जानकी जो वर्तमान में मुख्य प्रशासिका हैं और जैसा मैं बता रहा था जिनकी आयु लगभग 103 वर्ष है, और दादी जी के द्वारा भी देश विदेश में अनेक कार्यक्रम हुए हैं। ये कुमारियों की प्रशिक्षण, कुमारियां प्रशिक्षण लेते हुए कोई भी संस्था की ग्रोथ ट्रेनिंग पर होती है, HRD डिपार्टमेंट जिसे आजकल कहा जाता है। तो इस संस्था में भी ये ऐसा है, प्रतिवर्ष अनेक कुमारियों की ट्रेनिंग होती है जो ही भविष्य में चलकर फ्यूचर ब्रह्मा कुमारीज हैं और जिनके द्वारा इंस्टीट्यूशन का अनेक जो सेवा केंद्र खुलते जाते हैं उनका विस्तार होता रहता है। साथ ही साथ जन जागृति की भी विशाल सभाएं होती रहती हैं। ये हैं दादी हृदय मोहनी जी जो वर्तमान समय सह मुख्य प्रशासिका एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं तो इसलिए वर्तमान समय अभी वो बम्बई में स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। और इनके तन के द्वारा परमात्मा तो है निराकार, आपने 2 दिन शिविर भी किया होगा, आज के शिविर में भी आपको बताया होगा कैसे परमात्मा निराकार साकार तन का आधार लेके, तो पहले तो साकार तन प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का था, उसके बाद से 69 के बाद बाप दादा जिन्हें हम कहते हैं बाप और दादा, बाप अर्थात शिव बाबा पिता और दादा सिंधी में दादा कहा जाता है, एल्डर ब्रदर को भी दादा कहा जाता है, तो इसलिए वो बाप दादा की जैसे पधरावणी इनमें होती है और इनके द्वारा ज्ञान मिलता रहा, वर्तमान समय इन्हीं के द्वारा ज्ञान मिल रहा है। वैसे तो इतिहास बहुत लंबा है लेकिन कोशिश की गई है कि आपको थोड़ा इसके संक्षिप्त रूपरेखा बता दी जाए। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। भाई साहब ने 83 साल का इतिहास सागर को घाघर में भर दिया, शॉर्ट में हमारे सामने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हस्ती से हम सुनेंगे अभी ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव। आज हमारे सामने हमारे पास आदरणीय गोदावरी दीदी जी, खास मुलुंद सेंटर हमारे मुंबई से आए हुए हैं। आपको भी सौभाग्य प्राप्त रहा है कि ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव, ब्रह्मा बाबा के साथ का। तो आज हम अभी इन दादी गोदावरी दीदी से सुनेंगे। तो गोदावरी दीदी जी महाराष्ट्र जोनल कोऑर्डिनेटर हैं इस विंग के, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के, और आप 1958 में
ज्ञान में आए, ज्ञान को प्राप्त किया। आप सोचिए कई लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय, इतनी पुरानी बात है। और आप 1968 में अपनी ईश्वरीय सेवा में अपनी जीवन को समर्पित किया। आपने देश विदेश में जा करके बहुत सारी आत्माओं की सेवाएं की और उनको भगवान से जोड़ा। और आप 1962 से 1973 के दौरान विभिन्न सेवा केंद्र मुंबई में स्थापना के निमित्त बने। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आदरणीय दादी गोदावरी दीदी जी से, ब्रह्मा बाबा के बारे में हम सुनेंगे। ओम शांति। बहुत ही खुशी हो रही है बात बताने में। अभी अभी आपने ब्रह्मा बाबा की मम्मा की पूरे यज्ञ की हिस्ट्री आदरणीय भ्राता मोहन भाई जी से सुनी। और इन्हों के संपर्क में, माना मम्मा के बाबा के संपर्क में आने से पहले ही बहुत छोटी एज में हमको भी कुछ ऐसे अलौकिक संकेत मिलते रहते थे। और माना चंद समय में आपको सुनाती हूँ कि हमारी भी लौकिक जन्म बॉम्बे में हुआ है और आसामी घर में हुआ। हर बात में सुख था, खुशी थी, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जन्म से ही कुछ संस्कार इसी प्रकार के थे कि जैसे कुछ जीवन में चाहिए, परंतु क्या चाहिए वो छोटी एज में किसी को बता नहीं सकती थी। लेकिन घर में कभी कभी बात निकलती थी तो ये होता था कि अरे संसार में आए हैं तो दो बातों के लिए तो आए हैं। हर इंसान एक तो चाहता है मन की शांति और दूसरा चाहता है प्रभु की प्राप्ति। परंतु मेरे लिए तो ये कोई बात असंभव थी नहीं। फिर भी मुझे मन में ऐसा ही अंदर में संकेत मिलता था कि ये आत्मा तू जाग जाग जाग, अंदर में बहुत कुछ। ये मैं आपको कैसे बताऊं कि जिस परमात्मा पिता की, भगवान की है, प्रभु है, ईश्वर ये खुदा है, गॉड फादर कह करके सभी जो याद करते हैं, तो वही परमात्मा पिता जिसको प्रार्थना में भी कहते हैं तुम्हें तो माताश्च पिताश्च बंधु सखा विद्या, सभी भगवान तू ही तू है। पर वो आखिर भी भगवान है कौन, कहाँ है, कैसे मिलेगा, ये क्वेश्चन हम इस छोटी आयु में किसी को पूछ नहीं सकती थी। लेकिन अंदर में मुझे बहुत ही इंटरनल अंदर मान बहुत ही होता था कि कुछ भी करके मुझे ये जानना ही है कि भगवान कौन है, क्या है। मन ही मन में ये विचारधाराएं चलती थी। कुछ समय के बाद मुझे ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मिला और वहाँ हमारा जाना हुआ। और पहले ही दिन में मैं आपको रियल ये बात बताती हूँ कि मुझे जिसको कहे ना कि भगवान को गीता में भी है कि भगवान को इन चर्म चक्षु से देख नहीं सकते हैं, उसको देखने के लिए, मिलने के लिए या समझने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, तो ये ज्ञान चक्षु कहें, दिव्य चक्षु कहें, तो ये प्रभु की देन, जिसको परमात्मा को कहा जाता है दाता, वरदाता, भाग्य विदाता। तो वही परमात्मा को आज हम जब याद करते हैं तो याद आता है कि गीता के वचन के अनुसार जो यदा यदा ही धर्म से लिखा हुआ है ये बात राइट है। ग्लानिर भवति भारत, भगवान परमपिता परमात्मा जिसको दुनिया ढूंढती है वो भगवान स्वयं, जिसकी अभी कैसे आता है क्या आता है अभी सारी हिस्ट्री सुनी, तो ये समझने की बात है कि जिसको हम याद करते हैं तो जरूर इस सृष्टि पर होकर के गया है, तभी तो याद करते हैं। अगर वो आता ही नहीं था तो ग्लानिर भवति भारत, भगवान भारत में ही परित्रण साधुनम, माने भारत में ही वो आता है तो भारत देश के अंदर ही भगवान का दिव्य अवतरण
इन आँखों से तो क्या, लेकिन इस जीवन में ही दिव्य चक्षु के द्वारा, कहें ज्ञान चक्षु के द्वारा हमने ये देखा। और जैसे अभी अभी हिस्ट्री में भी बताया कि ब्रह्मा बाबा का जो वास्तविक व्यक्तिगत व्यक्तित्व था इन्हों का, तो वो सचमुच एक बहुत ही इतना अलौकिक दिव्य था, उसको देखने से ही एक कुछ अलग सी लाइट माइट दिखाई देती थी। वो हमने अपने जीवन में अनुभव किया, और पहली बार जब ब्रह्मा बाबा को देखा तो ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा के रूप से तो नहीं देखा, लेकिन एक श्री कृष्ण के रूप से देखा, जिसके प्रति हमको बहुत ही मन में प्यार भी था बचपन से। उनके बहुत सारे गीत मैं लिखती रहती थी और गाती भी रहती थी हारमोनियम के ऊपर, और बहुत उनको उनके प्रति चाहना थी, और यही कहती थी कि तू मुझे कब मिलेगा, कब मिलेगा। ऐसे अंतरात्मा में बहुत कुछ भावनाएं प्रकट होती थी। आखिर जब यहाँ आई तो ये मेरी चाहना सचमुच अंतरात्मा से ही पूर्ण हो गई, और उसी वो दिन आज की घड़ी अभी तक भी मुझे वो सीनरियाँ अथवा बाबा की परवरिश, और बाबा कहें या स्वयं भगवान जिसके अंदर प्रवेश किया, जैसे गीता में भी है कि अर्जुन मैं एक साधारण तन में आता हूँ, कोटों में कोई में कोई व्यक्ति ही मुझे पहचानता है, तो ये बात राइट है कि भगवान को पहचानना कोई आसान तो नहीं है, लेकिन भगवान की नज़र जिसके ऊपर पड़ी है तो वो आत्माएं महान भाग्यवान है। मैं तो समझती हूँ कि आप लोग जो यहाँ ज्ञान मान सरोवर में पधारे हों, और तीन दिन से कंटिन्यू यही ज्ञान की धारा यहाँ बहती रहती है, आत्मा को पावन बनाने के लिए प्रभु यहाँ आया हुआ है, तो इसलिए परमात्मा ने हम बच्चों को आकर के यही सबसे बड़ी शिक्षाएं दिया कि अभी आप अपना परिवर्तन करने के लिए अथवा अपने आप को पहचानने के लिए कि आखिर भी मैं कौन हूँ। इस शरीर के अंदर हम सभी जानते हैं कि ये शरीर तो पांच तत्वों का बना हुआ है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। इसके अंदर एक चैतन्य शक्ति आत्मा की है, अगर आत्मा इस शरीर में नहीं होती थी तो ये शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती थी, परंतु ये शरीर के अंदर आत्मा चैतन्य शक्ति होने के कारण हर इंसान अपने कर्म में व्यस्त रहता है, अपना कार्य करता है, परंतु साथ साथ इनके अंदर में जो कई प्रकार की कमजोरियां हैं, कई ऐसा ही कहेंगे विकार है, वासनाएं हैं, जब तक वो सत्यता को पहचाना नहीं है, उनको कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। जब तक वो सत्यता को नहीं पहचाना है तब तक अंदर में कई प्रकार की कमियां चलती रहती है, पर हमारा अनुभव यही कहता है कि जब उस गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ जो कहते हैं, उनको समझ लिया सत्यता को, तो ये जो कमजोरियां थी, कमियां थी, वासना को छोड़ने की, विकारों को छोड़ने की, तो वो जैसे एकदम इजी हो जाता है। कैसे छूट गया, कब छूट गया, पता ही नहीं चला, लेकिन जीवन के अंदर इतना जरूर महसूस किया कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो अपने जीवन के अंदर वो कार्य कर रही है, और वो कार्य, वो शक्ति ही हमें आज अपने जीवन को बनाने में बहुत कुछ मदद कर रही है। वरना देखा जाता है कि आज की दुनिया के अंदर कोई भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान की लाइफ इतनी सुखमय, शांतिमय, खुशीमय दिखाई नहीं दे रही है। सभी कोई न कोई प्रकार के समस्याओं में, विघ्नों में, कोई न कोई प्रकार की तकलीफों में मूंझा हुआ है, परंतु जब भगवान ने इसी प्रकार की शक्तियाँ जब दिया और दे रहा है, तो हमने देखा है कि जो इसी प्रकार की
शक्तियों में या सिर्फ भावना नहीं कहेंगे लेकिन निश्चय भी कहेंगे और ब्लाइंड फेथ नहीं रहेगी, ओरिजिनल निश्चय श्रद्धा अंदर में जब ऐसी बैठ जाती है तो अपने आप ही उनका सुधार होना शुरू हो ही जाता है। कोई भी बात का तभी इतनी कहते हैं कि भगवान के साथ जब भी लगन लगी और उसी के प्रति ही मन मगन होने लगा तो कई प्रकार के विघ्न भी चले गए। और जो कोई मौज की तो बात ही नहीं है, परंतु अंदर में खुशी ही खुशी है, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद लगता है। और कई लोग अभी भी हमने देखा है, बहुत लोग संपर्क में आते हैं तो इतने मौजे हुए दिखाई देते हैं और ज़िंदगी को बड़ा बोझ समझ करके चलते हैं। अभी अभी मैं यहाँ माना माउंट अबू आ रही थी बॉम्बे से, उसके दो दिन पहले ही एक यंग एज यंग आया भाई और कहने लगा कि मैं अभी सोच रहा हूँ सुसाइड करने का, मुझे अभी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मुझे इतना आश्चर्य लगा कि इतनी छोटी आयु में आपने ऐसा कैसे सोच लिया है। तो बोले क्या करें, मैं कुछ भी सोचता हूँ तो मुझे सफलता मिलती ही नहीं है, जहाँ जाऊँ वहाँ नाकामयाबी नाकामयाबी से मैं घेरा हुआ हूँ, तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि इसे मर जाना ही अच्छा है। तो हमने उनको बिठाया, एक घंटे तक बात किया और उनके समझाया कि ये ज़िंदगी कितनी अनमोल है और इसी जीवन में ऐसा इतना जल्दी सोच नहीं लेना चाहिए, और भी इसमें कुछ करके दिखाओ, कोई होप रखो, कोई अंदर में उमंग रखो, उत्साह रखो, यही तो लाइफ है ना, बाकी ये क्या है। और भगवान भी क्या, बड़े बड़े जो लोग होकर के गए उन्होंने भी यही कहा कि अरे जियो तो औरों के लिए जियो, सिर्फ मरने के लिए कोई ज़िंदगी थोड़ी मिली हुई है, कुछ करके तो जाना ही है, ऐसे खाली हाथ आए खाली हाथ जाना तो फ़ायदा क्या हुआ। तो बहुत कुछ समझाया उसके बाद, इतना उनको माइंड ट्रबल था, इतना उनको ट्रबल थे अंदर में, बहुत कुछ ऐसी महसूस ही हो रही थी कि नहीं मुझे लाइफ मेरी चाहिए ही नहीं, बस चाहिए ही नहीं। परंतु ये ईश्वरीय ज्ञान सुनने के बाद और प्रभु की याद, जो यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है, वो याद करने के बाद उसको याद में बिठाया तो दो घड़ी में उनको ऐसा शांति का एकदम अनुभूति हुई कि जिस अनुभूति से उठने के बाद तुरंत ही कहता है कि मेरा जो संकल्प लिया था वो अभी मैंने अभी का अभी ही उनको मैंने बस वो नाम मना भी ख़त्म कर दिया है और आज से मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा कि मुझे सुसाइड करना है, लेकिन मैं अभी जीऊँगा तो अच्छी तरह से जीऊँगा, औरों की भलाई के लिए जीऊँगा, मैं अपने माँ बाप की भी सेवा करूँगा और मैं अभी बहुत अच्छा कार्य करके आगे बढ़ूँगा। तो कहने का भाव यही है हमारा कि ऐसी एक नहीं है लेकिन अनेका अनेक आत्माओं को प्रभु की प्राप्ति के प्रति जो एक अंदर में निश्चय आता है तो अंदर में इतनी खुशी मिलती है और नेचुरली जैसे अभी कोई आनंद की प्राप्ति के लिए, कोई मनोरंजन के लिए, कहीं ना कहीं इंजॉय करने के लिए कहाँ कहाँ लोग जाते हैं और जाकर के आते हैं तो पूछते भी हैं हम लोग कि आप वहाँ गए तो देखा बहुत कुछ मज़ा आया, बोले मज़ा तो बहुत आया लेकिन यहाँ आने के बाद हमने जब भी हिसाब किया मनी का तो इतना खर्चा हो गया तो उसके कारण हमारा मन अभी थोड़ा नाराज़ हो गया है कि अभी इतना सारा खर्चा कर दिया। तो कहने का भाव कि जो हमें चाहिए वो सब कुछ ही हम अपने पास है। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है, टाइम तो हो चुका है लेकिन याद आती है क्योंकि ये प्रैक्टिकल घटना है हमारे पास की। हम एक केंद्र से दूसरे केंद्र में कई बार 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 जाना होता था तो बीच में एक गरीब दुखी भाई बैठा रहता था और वो बांसुरी बजाता रहता था और बांसुरी की धुन पे कई लोग उनको, क्योंकि ब्लाइंड भी था वो, तो वो लोग जो जाते आते थे तो वहाँ एक बड़ा कटोरा भरा रहता था, मतलब पड़ा रहता था, तो उसमें लोग कोई आठ आना चार आना रुपया से डाल के जाते थे।
तो बस उसी पे ही उनका जीवन का गुजारा चलता रहता था। फिर वो जब ही मानस धीरे धीरे समय आया, एजेड हो गया, वो शरीर छोड़ा, तो किसी ने कहा कि इनको अभी यहाँ से हटाओ। तो हटाने से पहले कुछ लोग ऐसे भी आए कि वो व्यक्ति यहाँ ही बैठता था, यही इनकी माना वो बोरी थी, बोरी के ऊपर बैठता था, बोरी के नीचे देखना चाहिए कुछ है तो नहीं। जब ही उनके नीचे देखा, खोदा थोड़ा सा, तो करोड़ों रुपया निकल आया था। ये हमारे सामने की बात है घटना की। तो देखा तो देखो अंदर में करोड़ों रुपया भरा पड़ा है, और वो खाली एक आठ आना रुपये के लिए इतना बांसुरी वादन करता था और माना भिक्षा मांगता था, ऐसा भी एक भिक्षुक था। तो इस स्थिति से हमने देखा तो हमको बहुत अंदर में हंसी आई कि इसी तरह से ठीक दुनिया के लोगों के अंदर भी बहुत कुछ शक्तियाँ भगवान ने दिया है, बहुत कुछ गुण भी दिया है, खुशी भी दिया है, आनंद भी दिया है, उसको समय भी दिया, सब कुछ दिया है। लेकिन एक वो बाहर मुक्तता बाहर तमें जाने के कारण उनको वही शो दिखाई देता है, वही चीज़ दिखाई देती है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अंतर आत्मा की तरफ मुड़ करके देखें, थोड़ा अंदर में आए, तो उसको सचमुच बहुत आनंद मिल सकता है, खुशी मिल सकता है, और उसकी जीवन धन धन्य हो सकती है। तो परमात्मा का भी कहना हम बच्चों को यही है कि और कुछ भी नहीं तो कम से कम आप अपने आप को, खुद को पहचानो, खुदा को पहचानो, जिससे आपकी लाइफ एकदम ही वंडरफुल लाइफ हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि जिसके अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ जीवन में भरी रहती है। तो ऐसे परमात्मा ने सब कुछ ही सभी को दिया है, लेकिन थोड़ी सी अंदर में मुड़ करके खोज करें तो सचमुच उनको रियल मौज उनको आ सकती है, रियल मौज वो मना सकता है। और आया हुआ इंसान संसार के अंदर सभी की दुआएं भी प्राप्त कर सकता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आत्माएं जो भी यहाँ है वो क्या कर रही है, यही तो देन सभी को दे रही है ना, निःशुल्क देन। क्योंकि हम लोगों को बहुत लोग पूछते हैं कि आप लोग योगा सिखाते हो, योगा सिखाते हो तो योगा की फीस कितनी है। तो हमको अंदर में आश्चर्य लगता है, वहाँ हंस के जवाब देते हैं सभी को कि मतलब फ्री ऑफ चार्ज है, आप आइए भले। तो लगता है इन लोगों को, क्योंकि आजकल योगा के लिए सभी को अट्रैक्शन बहुत है। वहाँ हमने देखा बॉम्बे में भी बहुत लोग आते हैं, खाली एक तीन या दो दिन सिखाते हैं, लेकिन एक एक लाख रुपये फीस होती है। तो भी लोगों को ये लगता है कि मन की शांति के लिए हम जाएं और सीखें, और जाते भी हैं, सीखते भी हैं, आते भी हैं, बताते भी हैं। लेकिन इस योगा के तो कुछ फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि भगवान खुद पिता है हमारा, वो खुद ही कहता है कि पिता बच्चों से क्या लेगा फीस, है ही क्या बच्चों के पास। तो जो कुछ है वो मन की कमजोरियां हैं, कमियां हैं, जिसको हम अभी तक मिटा नहीं सकते हैं, तो वही कमजोरियां भगवान को चाहिए, वही कमियां चाहिए। वो अगर आप आए हुए हो यहाँ, जाने से पहले अंदर में जो कुछ बुराई आपको अच्छे मार्ग में विघ्न डालती हो, तकलीफ देती हो, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आलस्य है, अलबेलापन है, काम वास, जो कुछ हो, तो वो आप मन से ही मन से संकल्प करके अगर प्रभु को समर्पित करके जाएंगे तो आपका जीवन सचमुच बहुत ही मानव से देवतुल्य बनने में कोई देर नहीं लगेगी। इसलिए गुरु नानक जी ने भी कहा है कि मनुष्य को देव किए करत न लागी वार। तो परमात्मा को, मानव को देव बनाने में कोई देर नहीं लगती है, परंतु सिर्फ अपने अंदर में जो विकार भरे पड़े हैं, जिसको एक दूसरा रूप माया का कहते हैं, अगर इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया तो परमात्मा से वो आत्माएं दूर नहीं है। परमात्मा भी यही कहता है
कि बस आप ऐसा ही एकाग्रता में एकाग्र चित से आप मुझे याद करो तो न आप मेरे से दूर हो न मैं आपसे दूर हूँ। तो अभी यहाँ आए हो तो आप सभी के प्रति हमारी यही मंगल भावनाएं अंदर में रहती है कि ये प्राप्ति जरूर करके जाइए। भल आप आपका घर बार संभालो, बच्चों को संभालो, व्यवहार व्यापार को संभालो, आपका जो कुछ कार्य है वो सब कुछ करो, कुछ मना नहीं है। और सब कुछ कार्य करते हुए भी बस ऐसा ही एक संकल्प लेके जाओ कि भगवान ने गीता में भी अर्जुन को यही कहा कि अर्जुन तू कर्म योगी बन, कर्म करते भी योग माना याद है परमात्मा की, तो अब तू याद करना नहीं भूलना मुझे। बल तो सभी का जैसे औरों को भी हम याद करते हैं, कोई कहाँ बैठा होता है तो भी याद तो उनको आती है, कोई ना कोई गुण से याद आती है, कोई कर्तव्य से याद आती है। वैसे परमात्मा को भी, वो हमारा पिता है, उसने ही हमको सब कुछ दिया हुआ है। अगर हम उनको इस भावना से याद करेंगे, प्यार से याद करेंगे, तो प्राप्तियों का भंडार हमारे से दूर नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि शिव का भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। जो एक निराकार शिव परमात्मा, शिव का मतलब ही होता है कल्याणकारी है वो, उस कल्याणकारी पिता को याद करने से हम स्वयं का तो कल्याण करते ही है, लेकिन औरों के कल्याण के लिए भी हमारे मन में माना हमेशा के लिए भावना बनी रहती है कि हर आत्माओं को भगवान का परिचय मिले, वो भगवान के समीप आए, भगवान को पहचाने और भगवान से बहुत कुछ प्राप्तियों का खजाना वो ले लेवे। वो है ही भगवान, इतना खजाना देता है देता है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। कमी है तो मानव आत्माओं में अपने खुद की ही कमी है कि वो जानते हुए भी कभी समय पर अनजान बन जाता है, समझते हुए भी समय नहीं है समय नहीं है कह करके अपने आप को छुड़वाना चाहता है। परंतु सब कुछ ही इंसान के पास है, इंसान चाहे तो क्या नहीं बन सकता है, भगवान नहीं बन सकता है, बाकी मानव से देव जरूर बन सकता है। उनके लिए यहाँ ही विधि ये सिखाई जाती है, इस विधि से उनको वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वो शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है। उसमें कोई भी प्रकार का अंदर में शक नहीं है, संशय नहीं है। हमने इस शाखा में प्रवेश करने के बाद बहुत कुछ ही इसका अनुभव किया है। अभी भी लाखों लोगों को ये संदेश देने के लिए परमात्मा ने जो निमित्त बनाया है, हमारी जो ख्वाहिश थी वो भगवान ने ही पूरी किया, श्री बाबा ने पूरी किया है। और अभी भी वर्तमान समय भी हमने अपने जीवन में यही अनुभव कर रही हूँ कि सिर्फ भगवान कहता है कि एक कदम आपका, हजार कदम मैं पिता बाप का। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि एक कदम आप हिम्मत का उठाइए, उमंग गुस्सा आएगा, खुशी आएगी, हजार कदम भगवान आपको मदद करेगा, उसमें कोई भी प्रकार का डाउट नहीं है। इसके आगे और क्या कहें, ये बहुत बड़ा अनुभव है और अनुभव और भी आगे से आगे बढ़ाता जा रहा है। और जीवन में बहुत कुछ परमात्मा से मिला हुआ खजाना, भगवान भी कहता है कि आपको जो कुछ खजाना दिया है बांटते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और यही सबसे बड़ा मनुष्य को देव बनाने का, एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो लक्ष्य दिया जाता है उस लक्ष्य की पूर्ति इस ज्ञान के द्वारा ही हो जाती है। अधिक समय न लेकर के यहीं विराम करती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। अभी हम देखिए परमात्मा ने कितना सुंदर ब्रह्मा बाबा के द्वारा कार्य किया। ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा में कितना अटल विश्वास था, निश्चय था। अभी तक भी ब्रह्मा बाबा, जैसा भी भाई साहब ने बोला, 1968 में बाबा तो अव्यक्त हुए, लेकिन अभी तक भी देश विदेश में बाबा के कार्य
निर्विघ्न रूप से चल रहा है। ब्रह्मा बाबा को बहुत विश्वास था कि भगवान का कार्य है, भले बातें आई लेकिन बाबा अटल रहे। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम भी अपने जीवन में अटल निश्चय के आधार पर हम चलते, भगवान पे विश्वास रख करके चलेंगे, तो हमें भी जीवन में बहुत सफलता मिलती है। अभी हम इस सत्र को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अभी 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, उसके बाद सभी आप लोग भोजन पर जाएंगे।